Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi, hope you all are doing well. So, आज हम लोग यहाँ पर chapter number 4 को start करने वाले हैं, that is geography and from class 6th NCERT. ठीक है, तो इस respective chapter को हम लोग आज यहाँ पर study करेंगे और respective chapter का नाम है maps. ठीक है, जितने maps वगैरह होते हैं, physical map, political map, तो इनके बारे में हम लोग discuss करेंगे. You have learned in the previous chapter about the advantages of a globe. अब last chapter हम लोगों ने globe के advantages पढ़े थे, right? Latitudes हम लोगों ने पढ़ा था, longitudes पढ़ा था, और respective बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी globe से related, right? However, globe has limitations as well. अब globe में भी कुछ ना कुछ limitations होती हैं, means कुछ ना कुछ restrictions we have globe में भी as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. अब जब हम लोग जो हमारा अर्थ है, अगर हम लोग उस पूरे अर्थ को स्टडी करना चाहते हैं, सो इन दैट केस हमारा जो ग्लोब है दैट कैन बी यूजफुल. उस केस में ग्लोब हमारे लिए यूजफुल हो सकता है. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन जब हम लोग हमारे अर्थ का कोई एक छोटा सा पार्ट वगैरह स्टडी करना चाहते हैं, या किसी एक सिंपल कंट्री या किसी स्टेट, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी टाउन या किसी विलेज के बारे में स्टडी आउट करना चाहते हैं, सो उस केस में जो ग्लोब है वो हमारी बहुत ही मतलब बहुत ही कम हेल्प कर सकता है उस रिस्पेक्टिव केस में ग्लोब. सो क्या लिमिटेशन है ग्लोब की? कि ग्लोब की लिमिटेशन ये है कि अगर आप पूरे अर्थ के बारे में स्टडी करना चाहते हो देन तो यू कैन प्रेफर द ग्लोब. बट अगर आप किसी स्टेट के बारे में पढ़ना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, या किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी टाउन या किसी विलेज, इन सब के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, तो उस केस में मैप आपके लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा. क्योंकि सॉरी, दिस ग्लोब आपके लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो पूरा लाइक रोटेटेड फॉर्म में बना होता है, स्पीयर शेप में, राइट. अब उसमें अलग अलग पार्ट्स कितने, मतलब किस उसमें कितने छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी उसमें कंट्रीज और डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखे होते हैं, राइट. तो उस प्रेफरेंस में आप ग्लोब को यूज़ नहीं कर सकते. सो इन सच सिचुएशन वी यूज़ मैप्स. सो अब उस सिचुएशन में हम लोग मैप्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि हम लोग मैप यूज़ करते हैं. जो हम लोग कोई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, टाउन, विलेज, कंट्री, किसी रिस्पेक्टिव के बारे में स्टडी करना होता है, देन वी प्रेफर द मैप. सो अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. अब मैप क्या होता है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन होती है, या बोलो मैप एक तरीके की ड्राइंग होती है अर्थ के सरफेस के या कुछ रिस्पेक्टिव पार्ट्स ऑफ द अर्थ की. ठीक है, जो कि एक फ्लैट सरफेस में ड्रॉ किए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू अ स्केल, मतलब कि जैसा एक प्रॉपर ड्राइंग जो होती है, प्रॉपर स्केल, मेजरमेंट वगैरह, ऑल दोज थिंग्स, सो उन सब से रिलेट करके मैप्स को ड्रॉ करा जाता है. तो ये एक टाइप की ड्राइंग या एक टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ के सर्फेसिस की. ठीक है, अर्थ के सर्फेसिस की या उसके पार्ट की, जिसको कि हम लोग एक फ्लैट सर्फेस पर ड्रॉ करते हैं प्रॉपर स्केल मेजरमेंट से. ठीक है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. बट अब एक राउंड शेप, मतलब अगर कोई भी जैसे कि अभी ग्लोब ही लेते हैं हम लोग, ग्लोब जैसे कि राउंड शेप में होता है, अब आप उस राउंड शेप को पूरा का पूरा फ्लैट नहीं कर सकते, राइट. इट मीन्स आप जो राउंड शेप में जितनी ज़्यादा जो भी चीज़ें लोकेटेड हैं, जो भी चीज़ें, सारी की सारी आप एक रिस्पेक्टिव मैप में नहीं बना सकते. क्योंकि एक एक रेक्टेंगुलर शेप का रिस्पेक्टिव फ्लैट होता है, राइट, और राउंड स्पीयर होता है. इन दैट केस जो जो दूसरे डायरेक्शंस में जो भी जगहें वगैरह होती हैं, हाउ विल यू लाइक आप उसको कैसे बनाओगे, राइट, उस पे मैप पे, राइट, अ फ्लैटन सरफेस. सो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी राउंड शेप को कम्प्लीटली फ्लैट शेप में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल होता है. ठीक है, वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस. अब हम लोग ये कहते हैं कि मैप जो है वो हम लोग को बहुत सारे पर्पस में हेल्प करता है, काफ़ी सारे पर्पसेस में वो हमको हेल्प करता है. वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स. कुछ मैप, मतलब जो मैप होते हैं उसमें आपको छोटे से छोटा एरिया भी देखने को मिलता है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो सब भी आपको जानने को मिलते हैं मैप के थ्रू. ठीक है, अब ग्लोब में क्या था? ग्लोब एक स्फीयर शेप था, उसमें जो 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 जगहें कितनी छोटी छोटी सी सिचुएटेड थी, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ था, तो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो पाता है.
और फिर उसको पूरे में टर्न करना, उसको ढूंढना. अब मान लीजिए जैसे टिल्टेड डायरेक्शन में है, तो कोई एकदम टॉप जैसे मतलब नॉर्थ पोल या टॉप एकदम साउथ पोल, नीचे साउथ पोल में एकदम कोई भी चीज़ें अगर वहाँ पे बनी हुई हैं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, राइट? क्योंकि टिल्टेड डायरेक्शन में है तो एकदम नीचे तक देखना उसमें बहुत डिफ़िकल्ट भरा काम होता है. तो मैप में सारी जितने भी स्मॉल एरियाज वगैरह हैं सब चीज़ें काफ़ी ईजिली शो हो जाती हैं. एंड अदर मैप मे कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक. और जो दूसरे मैप्स हैं उनमें इतनी सारे फैक्ट्स होते हैं जैसे कि एक बहुत बड़ी सी किताब हो, इतनी सारे फैक्ट्स जो दूसरे मैप्स होते हैं उनमें लिखा जाता है. When many maps are put together, we get an atlas. अब एटलेस का नाम आप सबने सुना होगा. यूजुअली पहले के टाइम पे जब आप छोटे हो तो एटलेस ही यूज होती थी डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए, किसी रिस्पेक्टिव प्लेस की जगह मतलब क्या मतलब किस तरीके से क्या क्या प्लेसेस होके जाएंगी या क्या उस का रास्ता है, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग एटलेस को ही यूज़ करते, राइट? तो जब बहुत सारे मैप्स एक साथ हम लोग इकट्ठा कर देते हैं तो दे फॉर्म अप अ बुक और वो होती है एटलेस. ठीक है, मैं इस एटलेस को यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ग्रेट. एटलेसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स. अब एटलेसेस जो होती है बहुत सारे साइज की होती हैं, उनमें मेजरमेंट्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं. ठीक है, मैप्स जो होते हैं वो हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रादर दैन अ ग्लोब. ये तो मैंने ऑब्वियसली अभी काफ़ी टाइम से मैं यही बात कर रही हूँ कि जो मैप्स हैं वो हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रादर दैन अ ग्लोब. ठीक है, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो. अब मैप्स जो होते हैं वो काफ़ी अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं. ठीक है, तो आप इसमें से कुछ टाइप के जो मैप्स हम नीचे डिस्कस हो रखे हैं उनको हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया था एक तो फिजिकल एक पॉलिटिकल, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन मैप्स हैं एक्चुअली, इसलिए मैंने इनका नाम लिया था यहाँ पे, क्योंकि फिजिकल और पॉलिटिकल मैप्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हैं नेम्स में. तो फिजिकल मैप्स, मैप शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लैट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स. अब जो मैप्स हम लोग को नेचुरल फीचर्स शो करते हैं, व्हाट आर नेचुरल फीचर्स, जैसे कि जो नेचुरल लाइक नेचुरल मीड हो, जैसे कि रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स, राइट? तो इनको किसी ने बिल्ट आउट नहीं किया, दीज आर द नेचुरल्स, राइट? तो ये जितने भी नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ के सारे हम लोग को फिजिकल मैप में शो होते हैं. ठीक है, मैं इसको यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, मैप सॉरी. ठीक है, और जो फिजिकल मैप्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिलीफ मैप्स भी. अब जैसे आपको कोई माउंटेन वगैरह है, आप किसी माउंटेन की तरफ जाना है या उन सब चीज़ों के लिए, तो फॉर दैट वी रिफर द फिजिकल मैप्स, किसी माउंटेन के डायरेक्शंस के लिए और उन सब चीज़ों के लिए हम लोग फिजिकल मैप को रेफर आउट करेंगे. ठीक है, पॉलिटिकल मैप्स. अब पॉलिटिकल मैप्स जो हैं, मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. अब जो भी मैप्स, जो मैप हम लोग को सिटीज, टाउन्स, स्टेट्स, कंट्रीज और मतलब स्टेट्स उनकी बाउंड्रीज वगैरह के साथ, ये सारी चीज़ें जो मैप हम लोग को शो करते हैं, दोज आर कॉल्ड द पॉलिटिकल मैप्स. अब जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं दोज ऑल कम इन द फिजिकल मैप, राइट? लाइक योर माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, इन सब चीज़ें. और जो भी टाउन्स, जो भी विलेजेस, जो भी स्टेट, सिटीज, ये सब हैं, दीज ऑल कम अंडर योर पॉलिटिकल मैप्स. तो पॉलिटिकल मैप्स में आपको सारी की सारी जो भी जगहें हैं लाइक सिटी, टाउन, विलेजेस, कंट्रीज, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज, ये सारी चीज़ें यू गेट इन द पॉलिटिकल मैप्स. एंड इन द फिजिकल मैप्स यू गेट अप द नेचुरल फीचर्स लाइक मतलब अर्थ के नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, प्लैट्यूज, प्लेन्स. सो ये सब आपको फिजिकल मैप्स में मिलते हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि मैं इन दोनों डेफिनेशन के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द थर्ड टाइप, दैट इज द थीमेटिक मैप्स. ठीक है, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप्स. अब ठीक है, ये एक थर्ड टाइप का मैप भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज थीमेटिक मैप्स. अब कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो कि एक रिस्पेक्टिव या एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर ही फोकस करते हैं,
जैसे कि कुछ होते हैं रोड मैप्स, तो उसमें वो जो रोड मैप्स में ना आपको सारी की सारी रोड्स की ही पूरी इंफॉर्मेशन होगी। रेनफॉल मैप्स, तो जो रेनफॉल मैप्स होगा उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन विल बी रिलेटेड टू द रेनफॉल। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये मैप होगा, इस पर सारे जितने फॉरेस्ट वगैरह हैं तो उन सब के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरी पूरी नॉलेज होगी। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट मैप्स भी होते हैं, कुछ मैप्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर ही फोकस करते हैं, ठीक है। सो उनको हम लोग बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। मैं यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ, इस डेफिनेशन को, वन सेकेंड। राइट, दीज आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। अब जिस तरीके की इंफॉर्मेशन, ये जो मैप्स होते हैं थीमेटिक मैप्स, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसी के हिसाब से इनको एक सूटेबल टाइटल भी दे दिया जाता है उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। देर आर थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल। अब मैप के इन टोटल थ्री कॉम्पोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिम्बल। अब आप अगर किसी चीज़ कहीं पे, आप जैसे किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हो कि कितना कितना दूर है ये रिस्पेक्टिव स्टेट, राइट। तो वो हो गया आपका डिस्टेंस। अब क्या क्या डायरेक्शंस हैं जिन डायरेक्शन से आप उस रिस्पेक्टिव लाइक स्टेट में पहुंच सकते हो या उस रिस्पेक्टिव प्लेस पे पहुंच सकते हो, राइट। क्या क्या रास्ते हैं जाने के, सो दैट इज़ योर डायरेक्शन। और बीच में बहुत मतलब अलग अलग तरीके के सिम्बल्स होते हैं दैट डिनोट कि ये सही डायरेक्शन है कि नहीं, अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं, सो दैट आर योर सिंबल्स, ठीक है। तो ये तीन कॉम्पोनेंट्स हैं मैप के जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अब हम लोग यहाँ पे नंबर वन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर बोल्ड और पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब मैप्स क्या है, मैप्स सिंपल एक ड्राइंग है जो कि जितना वर्ल्ड है पूरा हमारा या उसका कोई पार्ट, उसको इस तरीके से रिड्यूस करते हैं कि वो एक शीट ऑफ पेपर में फिट हो जाता है। मतलब कि जो भी वर्ल्ड है हमारा या जो भी पार्ट है उसका, उसको हम लोग इस तरीके से पेपर में ड्रॉ करते हैं कि वो पूरा फिट हो जाता है, राइट। और वी कैन सी मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मैप्स हैं वो एक रिड्यूस्ड स्केल के लिए ड्रॉ करे जाते हैं, ठीक है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। लेकिन अब जिस तरीके से हम लोग एक मैप में इतनी सारी जगहों को, इतने सारे स्टेट्स को, इतने सारे पार्ट्स को हम लोग फिट करते हैं, तो इसमें हम लोग ये ध्यान सबसे ज़्यादा रखते हैं कि जब आप स्केल्स वगैरह को रिड्यूस कर रहे हो तो उस पर सबसे ज़्यादा एक चीज़ है जो कि इफेक्ट ना करे, और वो है प्लेसेस की जो डिफरेंस, किसी भी प्लेस को विजिट करने का जो डिस्टेंस है वो एकदम रियल होना चाहिए। चाहे आप कितना भी रिडक्शन करो स्केल्स वगैरह में मैप ड्रॉ करने में, बट जो रियल डिस्टेंस है प्लेसेस की, किसी भी दो जगहों की जो प्लेसेस की जो डिस्टेंस होती है वो एब्सोल्युटली रियल होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो इस हिसाब से रिडक्शन करा जाता है कि उस पर जो डिस्टेंस है इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इट कैन ओनली बी पॉसिबल when a small distance on paper represents a large distance on the ground. और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब पेपर में एक छोटा सा डिस्टेंस इन रियल ग्राउंड में एक लार्ज डिस्टेंस रिप्रेजेंट करे। मतलब कि पेपर में आपको देखने में बहुत छोटा लगेगा कि ओके ये पॉइंट नंबर वन है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक सेकेंड में ड्रॉ ले लेती हूँ। लेट्स से कोई मैप है और मैप में कोई भी दो पॉइंट्स लोकेटेड है, लेट्स से एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यू हैव सेवरल डायरेक्शंस कि आप ऐसे जाके ऐसे कहीं से भी जा सकते हो, राइट। ये लेट्स से डायरेक्शन है, बट आप जब इसको ऐसे देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है कि अरे इतनी छोटी सी डिस्टेंस ट्रैवल करनी, बट रियल में जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है तो बहुत बहुत हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की लाइक ये होती है पूरी की पूरी डिस्टेंस। तो उसी में ये कहा जाता है कि जो भी हम डिस्टेंस देखते हैं पेपर में बहुत छोटी होती है, बट रिप्रेजेंट जो इन रियल वो डिस्टेंस होती है वो इन रियल डिस्टेंस काफ़ी बड़ी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। देयरफॉर अ स्केल इज चोजन फॉर दिस पर्पस। सो इसी रिस्पेक्टिव पर्पस के लिए हम लोग एक स्केल को चूज करते हैं, ठीक है। इसी रिस्पेक्टिव पर्पस के लिए हम लोग एक स्केल को चूज करते हैं। अब व्हाट इज अ स्केल?
So scale is a ratio between the actual distance on the ground and the distance shown in the map. जो भी ground में जो actual distance है ठीक है उसका, और जो हम लोग जो डिस्टेंस हम लोगों ने मैप में शो हो रही है उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं स्केल. मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ, जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे और जो डिस्टेंस आपने मैप में शो कर रखा है उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं हम लोग स्केल. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. लेट्स से कि आपका स्कूल का डिस्टेंस जो है, आपके स्कूल और घर का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है. ठीक है, तो अगर आप 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर में शो करोगे एक मैप में, तो 1 सेंटीमीटर आपके मैप का शो करेगा 5 किलोमीटर ग्राउंड का, और दूसरा जो 1 सेंटीमीटर है वो नेक्स्ट शो करेगा 5 किलोमीटर. राइट, सो यही यहाँ पे इस तरीके के एग्जांपल्स होते हैं कि लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर. ठीक है, आपके घर का और आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है. इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, अब अगर आप उसको इस 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में शो करोगे मैप में, तो उसका ये मतलब होगा कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. तो इसका ये मतलब होगा कि जो 1 सेंटीमीटर है उस मैप का वो आपका 5 किलोमीटर शो करेगा रियल में. मैप का जो 1 सेंटीमीटर होगा वो होगा हमारा स्केल, और 5 किलोमीटर होगी हमारी डिस्टेंस जो कि इन रियल हमको ट्रैवल करनी होगी. सो द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर. तो आपकी जो ड्राइंग का स्केल होगा ना वो होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर. तो इस तरीके से जो स्केल्स होते हैं वो कैलकुलेट करे जाते हैं. ठीक है, ग्रेट, 1 सेकेंड हाईलाइटर. ओके, नाउ स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप. अब ऑब्वियसली है कि स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी मैप में, क्योंकि आपको डिस्टेंस बतानी होती है. राइट, तो डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए जो स्केल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैप्स में. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on the map. अब अगर आप स्केल जानते हो कि क्या स्केल है, तो आप किसी भी दो रिस्पेक्टिव जगहों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो मैप में. ठीक है, तो इन दैट केस ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए डिस्टेंस वगैरह को जानना. राइट, मतलब कि जो भी आपका स्केल है, अगर आप उस स्केल की वैल्यू जानते हो, तो आप मैप में किसी भी टू प्लेसेस का डिस्टेंस कैलकुलेट आउट कर सकते हो. राइट, व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज अ स्मॉल स्केल. जब जो भी लार्ज एरियाज होते हैं जैसे कि कॉन्टिनेंट्स या फिर कंट्रीज, अगर इन सब चीज़ों को पेपर में शो करना होता है तो हम लोग बहुत छोटा स्केल लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड. मतलब कि इतना छोटा हम लोग स्केल लेते हैं कि अगर हम 5 सेंटीमीटर का स्केल ले रहे हैं तो इन रियल वो 500 किलोमीटर होता है मैप का. ठीक है, ग्राउंड पे. सो इट इज़ कॉल्ड द स्मॉल स्केल मैप. तो इस रिस्पेक्टिव मैप को हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप. ठीक है, सो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी जगह हैं, बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस, तो इतना ज़्यादा भी पॉसिबल नहीं होता है ना मैप पे सब चीज़ें बनाना. सो अगर आप लार्ज एरिया जैसे कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स के को शो करते हो आप मैप पे या पेपर पे, तो जो स्केल है हम लोग का, स्केल तो हम लोग स्मॉल यूज़ करते हैं. जैसे कि 5 सेंटीमीटर जो होता है वो 500 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करता है रियल ग्राउंड में. तो इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं इसको स्मॉल स्केल मैप. अब वेन अ मैप एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन अ पेपर, अब आपका जो मैप का एरिया है, जो आपके विलेज या आपका टाउन का जो एरिया है, अगर उसे पेपर में शो करना होता है, देन वी यूज अ लार्ज स्केल दैट इज 5 किलोमीटर ऑन द मैप शोज 5 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड. तब हम लोग लार्ज स्केल को यूज करते हैं, लार्ज स्केल यूज करते हैं, तब क्या होता है जैसे कि 5 सेंटीमीटर मैप में है अगर स्केल, तो वो इन रियल 500 मीटर्स होगा ग्राउंड पे. तो इस रिस्पेक्टिव को हम लोग बोलते हैं लार्ज स्केल मैप. सो ऑब्वियसली जैसे मतलब जिस तरीके की प्लेस होगी, जिस तरीके का एरिया होगा, उस तरीके से हम लोग मैप को यहाँ पर स्केल करते हैं. ठीक है,
कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज़ की बात होती है तो उसमें हमारा होता है स्मॉल स्केल मैप, और स्मॉल एरियाज जैसे कि विलेजेस या टाउन की बात होती है तो इन दैट हम लोग का होता है लार्ज स्केल मैप। ठीक है, लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप्स। अब जो लार्ज स्केल के मैप्स होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं स्मॉल स्केल मैप्स। यस बिल्कुल देंगे, क्योंकि लार्ज स्केल मैप में जितनी भी प्लेसेस हैं, जो भी डायरेक्शंस हैं, जो भी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा क्लियर आपको मेंशन आउट होंगी। अब यहाँ पे इसको स्मॉल स्केल मैप में, जैसे आपने 5 सेंटीमीटर स्केल लिया तो 500 किलोमीटर्स का पूरा एरिया आपने उसमें कवर किया। अब 500 किलोमीटर्स में जो भी और चीज़ें होंगी दैट वोंट बी वेरी मच क्लियर, राइट। सो इसलिए लार्ज स्केल मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है क्योंकि उसमें स्केल बड़ा होता है, स्केल्स में बड़ा होता है। और इन रियल जो डायरेक्शन जो प्लेस होती है 500 मीटर जैसे ग्राउंड पे, तो ये प्लेस इसमें छोटी होती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो लार्ज स्केल मैप है वो हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है रादर दैन द स्मॉल स्केल मैप्स, राइट। सो होप ये आपको क्लियर है, ग्रेट। सो होप आपको आज यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, लाइक जो मैंने आपको आपके साथ डिस्कस किया यहाँ पे मैप्स के बारे में। फिर हमने ग्लोब की लिमिटेशंस देखी, देन मैप्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इस चैप्टर को कवर करूँगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चिल्ड्रन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।